दोस्तों, जैसे कि हमने आपको हमारे 2 दिन पहले के वीडियो में क्लियरली बताया था, गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट आया है। गोल्ड पिछले 3 हफ्तों से एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था और गोल्ड ने ये रेक्टेंगल पैटर्न से 2 दिन पहले ब्रेकआउट दिया है और $2,003 के ऊपर एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आई है। और इसी ब्रेकआउट की वजह से गोल्ड का डेली चार्ट के ऊपर टारगेट आ रहा है $2,075 का। गोल्ड जब तक डेली चार्ट के ऊपर $1,977 के ऊपर है, हमें लगता है गोल्ड $2,075 तक ऊपर जा सकता है। डेली चार्ट से अगर हम वीकली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है $2,075 गोल्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। दोस्तों, 2075 के पास गोल्ड ने अगस्त 2020 में हाई बनाया था, उसी तरह से 2022 का हाई भी $2,075 के पास ही आता है। यानी कि दोस्तों, 2 बार यहाँ पर बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस गोल्ड को मिल चुका है। तो गोल्ड जब तीसरी बार यहाँ पर जाएगा तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि गोल्ड को यहाँ पर फिर से एक बार रेजिस्टेंस मिले। जैसे कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियोज के अंदर क्लियरली बताया है कि गोल्ड के अंदर तेजी $2,075 तक बढ़ सकती है और वहाँ पर गोल्ड को एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है और फिर वहाँ से गोल्ड के अंदर कुछ हफ्तों का कंसोलिडेशन हो सकता है। दोस्तों, ये कंसोलिडेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है गोल्ड की अगली तेजी के लिए। हमें लगता है गोल्ड अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बेस क्रिएट होगा और वहाँ से फिर ब्रेकआउट आने के बाद गोल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ी तेजी आने वाले महीनों में बन सकती है। दोस्तों, हमारे गोल्ड के अंदर टारगेट्स बहुत ही बड़े हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, पिछले 2.5 साल से गोल्ड एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ये रेक्टेंगल पैटर्न का रेंज है 400 पॉइंट का। तो गोल्ड जैसे ही आने वाले हफ्तों में $2,075 के ऊपर एक कंफर्टेबल क्लोजिंग देता है, गोल्ड के अंदर 2.5 साल के बाद ये रेक्टेंगल पैटर्न से एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आएगा और उस वजह से गोल्ड का इंटरनेशनल मार्केट में टारगेट होगा $2,475 का। गोल्ड के वीकली चार्ट से अगर हम गोल्ड के मंथली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड के मंथली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। दोस्तों, ये कप एंड हैंडल पैटर्न 12 साल का है, यानी कि गोल्ड ने ये कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर 12 साल कंसोलिडेट किया है। तो ये 12 साल के बाद जब गोल्ड के अंदर ब्रेकआउट आएगा, हमें लगता है गोल्ड के अंदर तेजी बहुत बढ़ सकती है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये कप एंड हैंडल कंसोलिडेशन का टारगेट है $950 का। तो ब्रेकआउट के बाद गोल्ड के अंदर तेजी आने वाले महीनों में $2,950 तक भी बढ़ सकती है। दोस्तों, हमें पता है हमारा गोल्ड का टारगेट बहुत ही बड़ा है, लेकिन दोस्तों, हमने जो भी टारगेट्स आपको इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के लिए दिए हैं वो सब टारगेट्स आपने देखा है गोल्ड के वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न्स बने हैं उसी हिसाब से दिए हैं। हमने हमारे हिसाब से कोई भी टारगेट नहीं दिया है। जो हमें चार्ट दिखा रहा है वही हम आपको वीडियो के अंदर भी क्लियरली बता रहे हैं। जैसे कि वीडियो में हमने आपको बताया है कि पॉसिबल है गोल्ड $2,075 तक ऊपर जाए और फिर वहाँ से गोल्ड के अंदर कुछ हफ्ते कंसोलिडेट हो और गोल्ड जैसे ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देता है, हमें लगता है गोल्ड का सबसे पहला टारगेट होगा $2,475 का। दोस्तों, हमें लगता है गोल्ड ये टारगेट अगले 9 से 12 महीने में हासिल कर सकता है। हमारा गोल्ड का अगला टारगेट है $2,950 का। दोस्तों, हमें लगता है ये टारगेट गोल्ड 1.5 से 2 साल में हासिल कर सकता है। दोस्तों, आपको स्टॉप लॉस भी फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके अंदर स्टॉप लॉसेस बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो गोल्ड जब तक इंटरनेशनल मार्केट में $1,800 के ऊपर है, हमें लगता है गोल्ड के अंदर तेज़ी $2,475 और फिर $2,950 तक आने वाले 2 साल में बन सकती है। दोस्तों, आपको याद रखना है 1,800
बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है और गोल्ड अगर इंटरनेशनल मार्केट में $1,800 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारे ये दोनों टारगेट्स फेल हो जाएंगे। तो अगर कोई भी हमारा वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे ये रिस्क को ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क आती ही है, हमने आपको हमारा स्टॉप लॉस ये इन्वेस्टमेंट के लिए बता दिया है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसे डेफिनेटली फॉलो करे। इंडिया के अंदर भी हमने आपको दो दिन पहले क्लियरली बताया था गोल्ड ने रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। गोल्ड जब तक इंडिया के अंदर 59,250 रुपए के ऊपर है, हमें लगता है गोल्ड के अंदर तेजी 61,600 तक बढ़ सकती है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड $2,075 तक ऊपर जाता है तो गोल्ड हमारे तीसरा टारगेट 62,500 तक इंडिया में आने वाले दिनों में ऊपर जा सकता है। इंडिया के अंदर हमारा चौथा टारगेट है 67,100 का। हमने हमारे पिछले वीडियोस के अंदर आपको क्लियरली दिखाया है गोल्ड के वीकली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न बना है और गोल्ड ने इससे पहले ही ब्रेकआउट दे दिया है और ये ब्रेकआउट को गोल्ड ने रिटेस्ट भी कर लिया है। तो गोल्ड जैसे ही 62,500 का हमारा तीसरा टारगेट हासिल करता है, गोल्ड का अगला टारगेट 67,100 इंडिया के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड अगले डेढ़ से दो साल में $2,950 तक ऊपर जाता है तो इंडिया के अंदर गोल्ड 67,100 के बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन दोस्तों हमें याद रखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर गोल्ड की कीमतों को बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, जैसे कि इंडियन रुपी का मूवमेंट, उसी तरह से इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर लगने वाला सेस और GST। दोस्तों इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना ही होता है। उसी तरह से ट्रांजिट कॉस्ट और इंश्योरेंस भी गोल्ड की कीमतों के ऊपर इंडिया में इम्पैक्ट लाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इंडिया के अंदर गोल्ड की कीमतें निकालनी होती है। चलो अब पता करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड $2,950 तक ऊपर जाता है तो इंडिया के अंदर गोल्ड की एक रफ कीमत क्या हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट की कीमतों से अगर हमें इंडिया के अंदर गोल्ड की कीमतों को कैलकुलेट करना है तो हमें एक सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें गोल्ड की कीमतों को इंडियन रुपी से मल्टीप्लाई करना है और उसे फिर 31.1 ग्राम से डिवाइड करना है। दोस्तों 31.1 ग्राम इसीलिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के जो फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं वो एक ट्रॉय आउंस के होते हैं और एक ट्रॉय आउंस 31.1 ग्राम सोने को रिप्रेजेंट करता है। 31.1 ग्राम से डिवाइड करने के बाद हमें गोल्ड की कीमतों को 10 ग्राम से मल्टीप्लाई करने का होता है क्योंकि इंडिया के अंदर गोल्ड की कीमतें 10 ग्राम के अंदर दिखाई जाती है, जिसे हम एक तोला गोल्ड भी बोलते हैं। तो जैसे कि आप अभी वीडियो के अंदर देख रहे हो 2950 ये इंटरनेशनल गोल्ड की प्राइस है। हम मानते हैं कि इंडियन रुपी तभी 75 तक ऊपर आ सकता है, यानी कि इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग हो सकता है और फिर हमने उसे 31.1 ग्राम से डिवाइड किया है और फिर इंडिया के अंदर कीमत पाने के लिए हमने 10 ग्राम से उसको मल्टीप्लाई किया है। तो आप देख सकते हो हमें 10 ग्राम की कीमत 2950 के हिसाब से इंडिया में मिल रही है 71,141। दोस्तों ये कीमतों के अंदर इम्पोर्ट ड्यूटी, सेस और GST इंक्लूडेड नहीं है। इंडिया के अंदर गोल्ड के ऊपर 12.5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। ये इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर 2.5% सेस लगता है। दोस्तों ये दोनों को हम अगर गोल्ड की कीमतों में ऐड करते हैं और फिर उसके ऊपर 3% GST लगता है। हमने सब कैलकुलेशन पहले ही किया है। आप देख सकते हो अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी, सेस और GST को गोल्ड की कीमतों के अंदर ऐड करते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड की कीमतें अगर इंटरनेशनल मार्केट में $2,950 तक ऊपर जाती है तो इंडिया के अंदर गोल्ड की कीमतें 82,662 रुपये तक ऊपर जा सकती है। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा ये एक रफ कैलकुलेशन है
क्योंकि आगे जाकर जब गोल्ड की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $2,950 तक ऊपर जाती है, वो समय पे इंपोर्ट ड्यूटी क्या रहेगी हमें नहीं पता है। उसी तरह से सेस या फिर जीएसटी के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। इंडियन रुपी पॉसिबल है कि 75 के नीचे भी हो सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ये जो प्राइस हमने कैलकुलेट किया है वो एक रफ प्राइस है। यानी कि आपको एक आइडिया आना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड $2,950 तक ऊपर जाता है तो वो इंडिया के अंदर कितना ऊपर जा सकता है। दोस्तों, हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड $2,950 तक ऊपर जाता है तो इंडिया के अंदर गोल्ड की कीमतें कम से कम ₹75,000 तक तो ऊपर डेफिनेटली जाएंगी। जैसे कि अभी हमने आपको वीडियो के अंदर बताया कि इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट मजबूत हो सकता है और पॉसिबल है इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट 75 तक नीचे जा सकता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये इंडियन रुपी का डॉलर के अगेंस्ट का चार्ट है। वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा निगेटिव डाइवर्जेंस बना है RSI और MACD इंडिकेटर के ऊपर। उसी तरह से आप देख सकते हो अगस्त 2022 से जो राइजिंग ट्रेंड लाइन इंडियन रुपी के लिए सपोर्ट का काम कर रही थी, वीकली चार्ट के ऊपर इंडियन रुपी इसे नीचे की तरफ तोड़ रहा है। उसी तरह से अगर हम डेली चार्ट पर जाते हैं तो हमें पता चलता है 2023 की शुरुआत से जो राइजिंग ट्रेंड लाइन इंडियन रुपी को सपोर्ट दे रही थी उसे भी इंडियन रुपी ने नीचे की तरफ तोड़ा है। तो आने वाले दिनों में या फिर महीनों में पूरे पूरे चांसेस है कि इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट और स्ट्रांग होने वाला है। इंडियन रुपी आने वाले महीनों में स्ट्रांग होने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो हमें अभी दिख रहा है वो ये है कि डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। डॉलर इंडेक्स अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकडाउन देता है और ये ब्रेकडाउन जैसे ही कंफर्म होता है, आने वाले महीनों में डॉलर इंडेक्स $87.80 तक नीचे जा सकता है। ये गोल्ड और इंडियन रुपी दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन दोस्तों, हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि अगर डॉलर इंडेक्स ने ये पैटर्न से ब्रेकडाउन की जगह $105.88 के ऊपर क्लोजिंग दी तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। अब ये वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, गोल्ड जब तक 54,750 से 56,200 के एरिया के ऊपर है, हमें लगता है गोल्ड के अंदर तेजी 67,100 तक बननी चाहिए। गोल्ड के लिए 54,750 से 56,200 का एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। गोल्ड जैसे ही 67,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है, हमें लगता है गोल्ड 75,000 से 80,000 तक भी ऊपर जा सकता है। दोस्तों, 80,000 का टारगेट जब हमने ये वीडियो में दिया है तो हमने आपको ये क्लियरली बताया है कि वो समय पे GST, इम्पोर्ट ड्यूटी, सेस और इंडियन रुपी क्या होगा ये भी मायने रखता है। गोल्ड की कीमत वो समय पे क्या होगी ये डिसाइड करने के लिए। लेकिन गोल्ड के लिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है 54,750 से 56,200 का। गोल्ड का पहला टारगेट होगा 67,100 का, जो गोल्ड अगले 9 से 12 महीने में हासिल कर सकता है। और गोल्ड जैसे ही 67,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है, गोल्ड 75,000 से 80,000 तक ऊपर जा सकता है अगले 1.5 से 2 सालों में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।